कि लाखों पर वो एक भारी पड़ती है। कुछ ऐसी शक्ति मेरी रखवाली करती है कि लाखों पर वो एक भारी पड़ती है। कुछ ऐसी शक्ति मेरी रखवाली करती है और हजारों लाखों की बददुआएं भी मुझे नहीं लगती जब मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती है। तो अब ये मतलब एक स्टोरी है जो मतलब अदालत हो रही है जगह पर, उसके अंदर की एक स्टोरी है कि ये सड़कें ये गलियां सब कुछ हसीन लग रहा था। शायद मुझे याद नहीं आज कोई त्योहार है, यकीनन मुझे ऐसा ही लग रहा था। और इश्क में हारने के बाद जिनके मिजाज में उदासी भरे संगीत और बेरंगी दुनिया ही बची थी, उनके हाथों में गुलाब देखा तो मुझे मामला रंगीन लग रहा था। कि जो कभी नहीं पिघला वो पत्थर पिघलने लगा, कि जो कभी किसी को देखकर नहीं धड़का वो दिल भी धक धक करने लगा। और कोई मुस्काती हमें देख हसीना हम पलट कर देखे ऐसी नाती फितरत हमारी, कि कोई मुस्का कर देखे हसीना हमें हम पलट कर देखे ऐसी नाती फितरत हमारी, ना जाने यार उसे देख के दिल हरकत बदलने लगा। कि सपनों में कोई हंसाने लगा था कि तेरे अंदर भी है दिल कर मोहब्बत, दिल अब ये समझाने लगा। कि सपनों में कोई हंसाने लगा था कि तेरे अंदर भी है दिल कर मोहब्बत, दिल अब ये समझाने लगा था। और जो लड़का पूरे मोहल्ले में बदतमीज के नाम से था मशहूर, वो लड़का एक लड़की को देखकर शर्माने लगा था। कि सब हार गया ना जाने ये कैसा जुआ था, कि सब हार गया ना जाने ये कैसा जुआ था, कि पहली बार धड़का था दिल मेरा जब उसने मुझे छुआ था। कि सब हार गया ना जाने ये कैसा जुआ था, कि पहली बार धड़का था दिल मेरा जब उसने मुझे छुआ था। और जिसके पीछे थी पागल पूरी लड़कियों की महफिल, वो लड़का उस लड़की के पीछे पागल हुआ था। कि फिर एक दिन गुलशन बहार हुआ, ना जाने मुझे कैसा बुखार हुआ, और नहीं बता सकता खुशी उस दिन की, और नहीं बता सकता खुशी उस दिन की, अरे यार सामने से इजहार हुआ। उस दिन बहुतों के दिल टूट गए, कि उस दिन बहुतों के दिल टूट गए, बहुत से लोग मुझसे अंदर ही अंदर रूट गए। हमें देख एक साथ ना जाने कितने हसीनाओं के, तो ना जाने कितने आशिकों के दिल टूट गए। और मैंने सोचा था माँ से मिलाकर उसे खानदान की बहू बनाऊंगा, और मैंने सोचा था कि माँ से मिलाकर उसे खानदान की बहू बनाऊंगा, पर उसके विचार सुन मेरे खुद के सपने टूट गए। तो आगे हुआ कि जरा प्यार क्या दिखाया डसने लगी, कि जरा प्यार क्या दिखाया डसने लगी वो, साथ निभाने के लिए भी शर्तें रखने लगी वो। और मैंने हाथ जोड़ दिए तब तलक मोहब्बत में जब मेरी माँ से अलग रहने की शर्तें रखने लगी। अब तुम ही बताओ यारो, अब तुम ही बताओ यारो, क्या मैं गलत वो सही थी। और सच बताऊं तो नफरत होने लगी अपनी ही पसंद से जब उसने बात मेरे माँ बाप से अलग होने की कही। तो मतलब उस लड़की के लिए कि कुछ पलों में ही किसी के दिल में बैठ जाए उसका तरीका कमाल था, कि कुछ पलों में ही किसी के दिल में बैठ जाए उसका तरीका कमाल था। कि क्यों तोड़ दिया इस लड़की का दिल, उस अदालत का मुझसे यही सवाल था। और कुछ बातें सुनकर चौंक गया, और कुछ बातें सुनकर चौंक गया मैं। हर आशिक लाया था मुझे मारने के लिए कोई ना कोई हथियार, पर वो लड़की ना रोए इसलिए हर आशिक की जेब में एक रुमाल था। तो मतलब ये है, मतलब लास्ट गवाही है कि हाँ दिल तोड़ने का गुनाह किया है मैंने, कि हाँ दिल तोड़ने का गुनाह किया है मैंने। अगर ये महफिल ऐसा कहती है, इस जिंदगी से सीखा है मैंने कि सबसे ऊंची मोहब्बत माँ की ही होती है। और अगर पूछते हो गवाह कोई, और अगर पूछते हो गवाह कोई, तो सुनो जिस भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खुआते हो ना, वो भगवत गीता ऐसा कहती है। तो भाई एक शेर लिखा था कि
कि पलट कर भी ना देखूं, कि पलट कर भी ना देखूं कुछ इस हद तक तड़फाना, अगर खास होना है हर एक का तो मुझे भूल जाना।